तो गाइस आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सेहत का खजाना। जी हाँ, सेहत का खजाना तो डेली रहता है, लेकिन आज जो खजाना लेके आई हूँ बहुत ही शानदार है, बहुत ही ज्यादा फर्क देने वाला और बहुत ही ज्यादा आराम देने वाला और बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा देने वाला है। तो ये सेहत का जो जादू है आप पे कैसे चढ़ेगा, एक चाय पी के ये मैं बताऊंगी। आप लोगों ने तो सुना होगा चाय नुकसान करती है, चाय नुकसान करती है, लेकिन आज मैं ऐसी चाय के बारे में बात करूंगी जिसको सुन के आपके भी होश उड़ने वाले हैं। बिल्कुल दिल थाम के बैठिए सरकार। तो मैं आज आप लोगों को बहुत ही अच्छे हेल्थ बेनिफिट के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसी चाय के बारे में बताने वाली हूँ। मतलब बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस चीज को आप लोगों से शेयर करने के लिए। मैंने बहुत ज्यादा अमेजिंग रिजल्ट देखे हैं इसके, खुद मैं पी रही हूँ काफी टाइम से, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली को इसके रिजल्ट के बारे में बताऊँ। तो ये चाय जो है वो है अनार की चाय। ओप्स, क्वेश्चन मार्क आया ना। हाँ, अनार की चाय। हो गॉड, अनार की चाय भी होती है? ऑफ कोर्स होती है। अनार की चाय बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाली होती है। इस अनार की चाय को आप कैसे बना सकते हैं, इसके क्या क्या फायदे हैं, इसमें क्या क्या पाया जाता है, तो इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी इस वीडियो पे। तो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा और मेरी हेल्दी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। वेलकम माय न्यू ब्लॉग्स गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। तो गाइस चलिए बात करते हैं आज किसके बारे में, अनार की चाय के बारे में। जी हाँ, क्या आपने कभी अनार की चाय पी है? आप में से किस किस ने पी है मेरे को जरूर से बताइएगा। कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके, भाई मैं तो पी हूँ और बहुत सारे लोग हैं जो पी चुके होंगे अनार की चाय। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहली बार सुन रहे होंगे कि अनार की भी चाय होती है। हाँ होती है, बिल्कुल होती है, और खून से लेके स्किन तक के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाली होती है। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, और इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। इसमें फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, जिंक होता है, पोटेशियम होता है, और आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, और बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं इसमें, अनार की चाय में। तो अगर आप भी हेल्दी रहना चाहते हैं तो अनार की चाय को अपने डाइट में जरूर से शामिल कीजिए और रहिए हेल्दी ऑलवेज। तो गाइस चलिए आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं आपको, अनार के छिलके जो हैं बहुत बार क्या करते हैं, बहुत बार क्या हमेशा करते हैं, मैं भी पहले करती थी जब मुझे नहीं पता था, मैं क्या करती हूँ अनार के छिलके निकालती हूँ, उनको फेंक देती हूँ और अनार के दाने खा लेती हूँ या अनार का जूस बना के पी लेती हूँ। आप भी ऐसा करते हो ना, पक्का करते होंगे। हाँ सब कोई ऐसा ही करते हैं, मैं भी करती थी पहले जब मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, अनार के छिलकों को बढ़िया से छील के उनको धो के और सुखा लेती हूँ और बना लेती हूँ मैं उसका पाउडर। तो आपको भी ऐसे ही करना है। जी हाँ, अब पाउडर बना के आगे क्या करना है इसके बारे में लास्ट में बताऊंगी। कि इसकी चाय आपको कैसे बनानी है, पानी में, उबलते पानी में डालना है या उबले हुए पानी में डालना है। तो गैस पे चढ़ा हुआ उबलता पानी उसमें ऐड करना है इसका पाउडर, या फिर उबला हुआ जब आप कप में छान लेते हैं पानी तब ऐड करना है, इसके बारे में बाद में बताऊंगी। तो चलिए आपको बता ही देते हैं कि इसके सेवन से, चाय के सेवन से, चाय पीने से अनार की आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे। जी हाँ, तो अगर आपको जानना है कि इसकी चाय कैसे बना के पीनी है तो वीडियो तो लास्ट तक देखना पड़ेगा जनाब। तो गाइस इससे बहुत सारी बीमारी ठीक होती है, खून के प्रवाह में बहुत ही अच्छा सुधार होता है आपका, और आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छा हो जाता है, और पेट की जो भी परेशानियां होती हैं, बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, कब्ज की प्रॉब्लम हो जाती है, या खाना जल्दी से नहीं पचा पाते हैं तो खटी खटी डकारें आती हैं, राइट, तो और जी मचलाने लग जाता है, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, और पेट अगर सही नहीं होता मुंह में छाले भी आने लग जाते हैं और नींद भी अच्छे से नहीं आती है, और कुल मिला के पूरी हेल्थ की बैंड बच जाती है। तो आपके डाइजेशन सिस्टम में भी सुधार होगा, आपका डाइजेशन सिस्टम भी बहुत अच्छा होगा, आपकी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होगी, और आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, फ्रेश फील करेंगे अगर आप अनार की चाय पियेंगे। तो अनार की चाय बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाली होती है। मैं काफ़ी दिन से अभी पी रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ही ज़्यादा मतलब स्फूर्ति और बहुत ही ज्यादा, मतलब कहना चाहिए ना कि अंदर से एक ताकत फील होती थी, और ये आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ही अच्छा काम करती है अनार की चाय। हेयर्स भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे, और स्किन के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है, आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करेगी, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, और आप हमेशा हंसेंगे मुस्कुराएंगे जब आप हेल्दी रहेंगे, राइट। और मैं यही तो चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे गाइस। तो आपके लिए हेल्थ टिप्स लेके आती रहती हूँ बहुत सारे, और बहुत सारी चीजों के बारे में आप लोगों को मैं बताती रहती हूँ, और शरीर से फ्लू को दूर करने में भी मदद करती है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम है तो अनार की चाय जरूर पीजिए।
क्या दूर करती है? फ्लू को, आपके शरीर से फ्लू को दूर करने में आपकी हेल्प करती है अनार की चाय। जी हाँ, और बीपी अगर आपका अप एंड डाउन होता है और आपको बहुत ज़्यादा बीपी का प्रॉब्लम है, तो आपका बीपी जो है वो कंट्रोल में रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत अच्छा रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आप पे हावी नहीं होगा और आप हेल्दी रहेंगे। तो बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा मिलने वाला है अगर आप अनार का सेवन करते हैं। अनार भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाला होता है, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं, मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हैं, लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ अनार की चाय के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट देने वाली होती है गाइस। तो अनार की चाय बनाते कैसे हैं, इसके बारे में अभी बात करती हूँ मैं आपसे गाइस। तो अनार की चाय कैसे बनाते हैं, इसके बारे में बता देती हूँ। अनार के जो छिलके हैं उनको आपको बढ़िया से साफ कर लेना है पानी से। अनार तो पहले ही वॉश करके ही छीलते हैं ना, तो फिर बाद में वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, पहले ही आप वॉश कर लो। छीलने से पहले अनार को आप वॉश कर लो बढ़िया से और उसके छिलके को धूप में सुखा दो। जब अच्छे से सूख जाए तो आप बना लो उसका पाउडर, और पाउडर बनाने के बाद आप उसको एयर टाइट डिब्बे में पैक करके रख लो। बहुत दिनों के लिए हो जाता है, अनार तो 12 महीने मिलता है, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि कभी मिली कभी नहीं मिली। आप चाहे तो ताजे अनार का जो छिलका होता है उसका भी बना सकते हैं, लेकिन पाउडर भी फायदा करता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि हम उसको चाय की तरह उबालते नहीं है। बहुत सारी चीज़ें क्या है, उबालने से उसके जो मेन तत्व रहते हैं, जो चीज़ें उसमें रहती है, जो प्रॉपर्टीज उसमें पाई जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसकी चाय को कैसे बनाना है, इसका छिलका जो है, पाउडर जो है बना चुके हैं आप, तो उबले हुए पानी में, जैसे आप ग्रीन टी बनाते हैं, तो उसमें 1 चम्मच ऐड कर दीजिए और वेल मिक्स करके उसको पी जाइए। बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है इसके, बहुत ही ज़्यादा। अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा छानने जैसा है, तो आप उसको छान भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। और फिर जब आप कंटिन्यू इस चीज़ को करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिक कितना ज़्यादा बहुत सारी चीज़ों से छुटकारा मिल चुका है। तो अगर आप भी रहना चाहते हैं हेल्दी, तो अपने डाइट में अनार की चाय को जरूर से शामिल कीजिए और हेल्दी रहिए। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली प्यार से और हंसते मुस्कुराती हुई अपने घर पे रहे। तो आज का वीडियो मैं यहीं फिनिश करती हूँ गाइस, कल मैं फिर मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए है बाय बाय।